हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए एक छोटा सा राउंड शेप में सनसेट सिनारी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक प्लेट से हमने राउंड शेप बनाए। प्लेट में पिंक रंगोली, रेड, ऑरेंज और येलो रंगोली लिए। तो यहाँ पर एक सन दिखाना है, थोड़ा पानी, आसमान और एक नारियल के झाड़। तो जो बैकग्राउंड में जो कलर है वो हम पहले पिंक कलर भरेंगे। पिंक कलर के बाद पिंक और रेड मिला के थोड़ा ब्लेंड करते हुए रेड की तरफ आएंगे। जैसे जैसे पिंक ख़त्म किया हमने, तो पिंक और रेड को मिक्स करके पहले थोड़ा सा रेड मिक्स करेंगे। उसके जो सेकेंड स्टेप है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रेड यूज़ करेंगे, जिससे थोड़ा सा डार्कनेस बढ़े इधर। फिर एक साइड से थोड़ा रेड ज़्यादा भरेंगे और उसके बाद रेड के साथ थोड़ा जो ऑरेंज रंगोली है, ऑरेंज रंगोली को मिलाना है। तो जैसे जब भी कोई कलर को ब्लेंड करके लाना है, तो जैसे मैंने रेड से ऑरेंज तक आना है, तो सबसे पहले जो रेड के साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिलाना है, एक स्टेप देना है। सेकेंड स्टेप में ऑरेंज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है और थर्ड स्टेप में प्योर ऑरेंज। इस प्रकार तीन स्टेप में ब्लेंड करते हुए आना है। नीचे एक सन बनाना है, तो सन बनाने के लिए पहले जितना सन है उतना उससे थोड़ा ज़्यादा रेड कलर भर देंगे। वहाँ पर एक कटोरी रख देंगे और उसके ऊपर फिर जो बैकग्राउंड कलर है वो देंगे। तो जो सन का जो शेप है एकदम राउंड आएगा। ये छोटा सा ट्रिक्स है जो एकदम फिनिशिंग राउंड शेप में सन बनाने के लिए। अब नीचे की तरफ येलो से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर के तरफ जो ऑरेंज कलर है उसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। तो जैसे ऑरेंज येलो के साथ हल्का सा ऑरेंज मिलाएं, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा ऑरेंज मिलाएं। ऊपर थोड़ा ऑरेंज कलर है और इधर थोड़ा रेड और पिंक। इस प्रकार के ब्लेंड करते हुए बैकग्राउंड को बनाना है। ये बन गए सुंदर सा सन डूबता हुआ। नीचे थोड़ा जो पानी का भाग बनाना है, वहाँ पर जो डार्क ब्लू रंगोली है, डार्क ब्लू रंगोली नीचे की तरफ थोड़ा सा लाइनिंग देंगे और ऊपर की तरफ ब्लू रंगोली में थोड़ा सा वाइट रंगोली मिलाना है, थोड़ा फीका करना है और ऊपर की तरफ से नीचे आना है ब्लू रंगोली। तो जैसे लाइट किए थे हमने जो वाइट मिला के, वो और जो नीचे डार्क रंगोली था उसको फिर से मिलाएं, तो बीच में एक फिर से एक शेड बना। तो वो शेड वहाँ पर हमने ब्लेंड किए, कुछ लाइनिंग और डॉट वाइट रंगोली से देना है। अब ब्लैक ब्लैक कलर से बैकग्राउंड में एक जो नारियल के झाड़ है, नारियल का झाड़ बनाना है। अब इस प्रकार के ब्लैक कलर से नीचे थोड़ा घास भी बनाना है। इस प्रकार नारियल के पत्ती बनाना है। और यहाँ पर एक डॉल्फिन फिश बनाना है और तो ये थोड़ा पानी के ऊपर दिखाना है कि पानी के ऊपर से वो कूद रहे, छोटा सा डॉल्फिन ब्लैक कलर से। और आसमान में छोटे छोटे पक्षी उड़ता हुआ, क्योंकि जब सनसेट होता है तो आसमान में काफी सारे पक्षी उड़ते हैं। इसके बाद कोई भी कपड़े से जो आउटलाइन में रंगोली फैलता है उनको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद एक फनेल है जो चाइनी बोलते, ये फनेल के सहायता से जो व्हाइट रंगोली है, व्हाइट रंगोली के कुछ डॉट देंगे।
तो ये डॉट से जो हम सिनेरी बनाए तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है राउंड शेप में, और जब डॉट देते दे तो ये जो ट्रेडिशन रंगोली का लुक भी आता है उसमें, तो ये डॉट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ट्रेडिशनल भी लगता है। दूसरे प्रकार का छोटा सा सनसेट सीनरी हम बना सकते हैं, डेली यूज़ के लिए बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन के दबा के लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।